दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात बदमाश अशोक प्रधान गिरोह के शार्प शूटर प्रिंस उर्फ अमन उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी गिरोह के सदस्य रोहित उर्फ केडी उर्फ सोनू की हत्या में वांटेड था। दिल्ली पुलिस ने हत्या के इस केस में आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। पुलिस ने इसके पास से 0.32 बोर की पिस्टल व 3 कारतूस बरामद किए हैं। स्पेशल सेल ने जठेड़ी के साथी की हत्या करने के आरोपी को कटिवरा गांव से गिरफ्तार किया है। मुखबिर पर शक होने के चलते उसने रोहित उर्फ केडी उर्फ सोनू की हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में वो वांटेड चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। स्पेशल सेल DCP प्रमोद कुशवाहा के अनुसार स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर शिव कुमार को सूचना मिली थी कि रोहित उर्फ केडी उर्फ सोनू की हत्या में प्रिंस 6 महीने से फरार है। इंस्पेक्टर शिव कुमार को 4 जून को सूचना मिली थी कि प्रिंस नवोदय स्कूल मुंगेशपुर कुतुब रोड पर आएगा। ACP अत्तर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर शिव कुमार, कर्मवीर सिंह, पवन व SI राजेश कुमार की टीम ने घेराबंदी की और आरोपी कटिवरा गांव दिल्ली निवासी शार्प शूटर प्रिंस उर्फ अमन उर्फ भूरा उम्र 23 वर्ष को पकड़ लिया। जांच के दौरान इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम को पता चला कि वो अपने किसी साथी से मिलने के लिए कुतुबगढ़ रोड के पास आने वाला है। उक्त जानकारी पर स्पेशल सेल की टीम ने छापा मारकर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसे लेकर आर्म्स एक्ट का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो अभिषेक उर्फ शेखू और राजेश उर्फ इमरान के साथ अशोक प्रधान गिरोह का सदस्य है। अशोक प्रधान गिरोह की काला जठेड़ी गिरोह से रंजिश है। अभिषेक की काला जठेड़ी गिरोह के प्रियव्रत उर्फ काला से रंजिश है। इन लोगों ने प्रियव्रत उर्फ काला के घर पर जनवरी 20 में धमकाने के लिए फायरिंग की थी। उन्हें यह शक था कि रोहित उर्फ केडी उर्फ सोनू उनके गैंग के सदस्यों के बारे में काला जठेड़ी को सूचना देता है। इस कारण उसने साथी अभिषेक उर्फ शेखू, संजय उर्फ मंडू और अंधा के साथ मिलकर 2 बाइक पर गए और 26 दिसंबर कटिवरा गांव के खेतों में रोहित उर्फ केडी उर्फ सोनू की हत्या कर दी थी। रोहित उर्फ केडी उर्फ सोनू की हत्या से प्रियव्रत व काला जठेड़ी का खून खोल गया और प्रियव्रत उर्फ काला और संदीप जठेड़ी ने रोहित की हत्या का बदला लेने के लिए 6 मार्च 2021 को कटिवरा गांव में ही शशि काद्यान की बेरहमी से हत्या कर दी थी। शशि काद्यान अभिषेक और इमरान का नजदीक साथी और अशोक प्रधान गिरोह का सदस्य था। एक अन्य मामले में प्रियव्रत उर्फ काला ने सोनीपत में ढोले की हत्या की थी। यह हत्या भी काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर की गई थी। आरोपी प्रिंस ने पुल सर को बताया है कि उसने बीते 7 दिसंबर को औचंदी नहर के पास एक बाइक लूटी थी। इस बाइक पर जाते समय उसका पेट्रोल खत्म हो गया था, जिसके चलते उसे लावारिस हालत में छोड़कर वो फरार हो गया था। इसके बाद उन्होंने एक अन्य बाइक औचंदी रोड पर लूटी थी। इस बाइक का इस्तेमाल रोहित की हत्या में किया गया था। इन दोनों ही लूट की वारदातों में प्रिंस को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।